Hey guys, welcome back to my channel, Your Steady Cooks. मैं हूँ आपकी अपनी RBG रोहिणी भगत गुप्ता. तो आज हम बना रहे हैं मशरूम कॉर्न सूप एंड देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मशरूम. ठीक है, इग्नोर माय वॉइस गाइस, मेरा गला बैठा हुआ है, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. सो मशरूम कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है टू टाइप्स ऑफ मशरूम मैंने लिए हैं. आप चाहे तो एक ही बटन मशरूम्स ले सकते हैं. उसके बाद है फाइनली चॉप्ड गार्लिक, बॉइल्ड कॉर्न्स, फाइनली चॉप्ड अनियन, फाइनली चॉप्ड कैरेट्स, फाइनली चॉप्ड स्प्रिंग अनियन, सॉल्ट, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो, बटर, लेमन, रेड चिली फ्लेक्स, कॉर्न स्टार्च एंड ऑलिव ऑयल. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसे अच्छे से हीट होने देंगे. फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा बटर. रिमेम्बर, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए. सो डोंट वरी गाइस, सी हम हेल्दी डिश बना रहे हैं तो थोड़ा सा बटर यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं. रिमेम्बर, ये हमारे बोन्स के लिए भी अच्छा ही होता है, लेकिन हर एक चीज़ जब आप ओवर द क्वांटिटी करते हो तब डेफिनेटली वो हार्म करती है. सो रिमेम्बर कि वॉट एवर यू ईट इन क्वांटिटी, ठीक है. एंड बटर यूज़ करना हफ्ते में एक बार इज़ ओके, वेरी मच ओके, फाइन. चलिए अब ऐड करते हैं इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक. फ्लेम को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा एंड इसे अच्छे से रोस्ट होने दीजिए. हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक गार्लिक को कुक करना है. सी, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. तो यहाँ पर मैंने टू टाइप्स ऑफ मशरूम लिए हैं, ये बटन मशरूम एंड दिस इज अनदर ब्राउन मशरूम. आई डोंट नो द नेम, अगर आप लोग को इसका नाम पता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है गार्लिक के साथ. तो मैंने टू शेप्स में मशरूम्स को कट किया है. द ब्राउन मशरूम आई हैव चॉप्ड इन लॉन्ग स्लाइसेस एंड द बटन मशरूम्स इन वेरी स्मॉल स्मॉल क्यूब्स. लेट्स ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट कर लेना है ताकि मशरूम अपना सारा पानी जो है वो इवेपोरेट कर दे. वी वॉन्ट अ लिटिल ड्राई कंसिस्टेंसी ऑफ द मशरूम. तो मशरूम्स में हम जैसे ही सॉल्ट ऐड करते हैं मशरूम वाटर रिलीज करने लगता है, तभी आपको मशरूम का एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर मिलता है एंड एक नटी फ्लेवर मिलता है. सो द वाटर हैज नाइसली ड्राइड अप. अब हम इन मशरूम्स और गार्लिक को एक प्लेट में निकाल लेंगे. एंड लुक एट द मशरूम्स एंड गार्लिक. अब हमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप्ड एंड फाइनली चॉप्ड अनियंस और इसे अच्छे से टॉस करेंगे. सो आई हैव जस्ट स्प्रेड लिटिल मोर ऑलिव ऑयल, जस्ट 2-3 पंप्स. जैसे ही अनियंस थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड कैरेट्स एंड गिव इट अ नाइस मिक्स. वेजीज से भरपूर होने वाला है ये सूप एंड यू गाइज आर गोना लव इट डेफिनेटली. अब हम ऐड करेंगे हमारे सारे ड्राई मसाले जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो एंड गिव इट अ नाइस मिक्स. नाउ एट दिस पॉइंट डोंट फॉरगेट टू ऐड सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड मिक्स इट नाइसली. नाउ लेट्स ऐड बॉइल्ड कॉर्न्स एंड गिव दिस ऑल्सो अ नाइस टॉस. Let's add little bit of green chili sauce, piri piri masala. This is from Kia. It has amazing taste. It's optional, you can skip it too. And some spicy sriracha garlic sauce. Mix it nicely. Now let's add some spring onions. And save half for later. Now goes in our mushroom and garlic. And mix all together.
We'll higher the flame so that it gets nice tossy texture. Now let's pour in the water. And mix it nicely. तो जब तक हमारे सूप को एक अच्छा बॉईल आ जाता है हम तब तक कॉर्नस्टार्च स्लरी बना लेंगे. सो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च. इसमें ऐड करेंगे वाटर. एंड गिव इट अ मिक्स टू फॉर्म अ परफेक्ट कॉर्नस्टार्च स्लरी. So here it is, hamari cornstarch slurry is ready. Let's wait till the soup gets a nice boil. Come on guys, now it's the time to add our cornstarch slurry. Here this goes. Keep on mixing. So I'm adding little more slurry, cornstarch. I want a little more thick consistency. Awesome. Let it boil. So our Indo-Italian corn mushroom soup is ready. Let's serve it. So let's taste it guys. Our 2 different kinds of mushroom corn soup, and this is totally veg. Oh my god, awesome. Guys, this is just amazing. You should all try this, definitely. And जब आप try करो तो मुझे ज़रूर comment करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा. ये तो हो गया वेज वर्जन. अगर आपको इसी सूप का, इसी सारे प्रोसेस का नॉन वेज वर्जन चाहिए तो आप इसमें ऊपर से बॉयल्ड एंड शेडेड चिकन डाल सकते हैं. अपॉन दैट फेटा हुआ जो अंडा होता है, विस्क किया हुआ एग, उसको भी आप हॉट हॉट सूप में ऊपर से डालते डालते ऐसे मिक्स करते जाइए. यू विल गेट अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ चिकन एंड एग मंचाओ सूप. डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई इट एंड आई एम लविंग इट. So have a guilt-free and yummy, tasty food while you are on weight loss. This is just amazing. So चलो guys, मिलते हैं Your Steady Cooks के next episode में. आपको ये मेरी recipe कैसे लगी मुझे ज़रूर comment करके बताइएगा. And don't forget to subscribe my channel, Your Steady Cooks. So हाँ, hit the bell icon ताकि जब भी मैं किसी नए recipe के साथ आऊँ तो आप लोग को सबसे पहले पता चले. Take care everyone, bye Teddians, love you all and enjoy.